शनिवार को देर शाम चौमा गांव में गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का बारौली गांव का युवक दिल्ली से ट्रक खाली कर अपने घर जाते समय रास्ते में चौमा गांव अपने ससुराल आ गया। उसके बाद रोड पर ट्रक खड़ा करके अपने ससुराल चला गया। पीछे से ससुराल पक्ष के लोगों के चार बच्चे ट्रक में खेलने के लिए चढ़ गए। उसके बाद अचानक से ट्रक में आग लग गई। कुछ समय बाद पड़ोस में रहने वाले युवक ने ट्रक में आग को लगती देख शोर मचाया और लोग आग बुझाने में जुट। मिट्टी पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। तब तक ट्रक का कैबिन और अगले टायर पूरी तरीके से जल गए। लोगों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद जलते ट्रक में से चार बच्चों को बाहर निकालकर तुरंत अलवर ले जाया गया। घटना की मरुधर बुलेटिन संवाददाता के द्वारा सूचना देने पर रामगढ़ थाना अधिकारी रामनिवास मीणा और DSP ओम प्रकाश मीणा ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। परिजनों द्वारा चारों बच्चों को उपचार के लिए अलवर भी ले जाया गया। वहां डॉक्टरों के द्वारा बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए तीन बच्चों को जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर ले जाते समय रास्ते में थोड़े अंतराल के बीच में ही तीनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। परिजन तीनों बच्चों के शवों के साथ उसके बाद गाँव लौट गए।